डियर व्यूबर्स, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 की जो आवेदन की तिथि है, अंतिम तिथि, वो बढ़ा दी गई है। आइए आपको इस वीडियो में सब कुछ जानकारी देने वाले हैं, कौन स्टूडेंट डाल सकते हैं उस फॉर्म, कौन नहीं डाल सकते हैं, और जो पिछले वीडियोस पर हमारे व्यूवर्स की जो प्रॉब्लम्स आई हैं, क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, आप हमें सपोर्ट करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम यही बता दें कि अभी तक जो लास्ट डेट रखी गई थी वो अब बढ़ा दी गई है, कितना, 11 दिन और बढ़ा दी गई है। जी हाँ, अब लास्ट डेट जो है 5 अक्टूबर हो गई है। तो जो अभ्यर्थी छूट गए थे वो जल्दी से जल्दी क्या है, फॉर्म भर दें। पहले जो अंतिम तिथि 24 सितंबर निर्धारित थी, लेकिन अब लास्ट डेट 5 अक्टूबर है, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। यहाँ पर देखिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसमें वही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने सत्र 21-22 में कक्षा 7 की परीक्षा कम से कम 55% अंकों के साथ पास की हो, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5% की छूट भी है। वो तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन स्कूल वाले छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये भी देख लीजिए, क्योंकि पिछला क्यूरी थी कि क्या हम गवर्नमेंट स्कूल वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राज्य की स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, जो अब बच्चा इस विद्यालय में, इस प्रकार के विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहा है और कक्षा 7 पास कर चुका है, वो इसमें भरने के लिए एलिजिबल है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट डेट जो है 5 अक्टूबर कर दिए और परीक्षा की तिथि 6 नवंबर है। ओके, और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कौन नहीं डाल सकता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय, इसमें जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वो इस परीक्षा में भाग नहीं ले सके हैं। एक चीज़ और बता दें, आप सोच रहे होंगे कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, जब बच्चा परीक्षा में सफल हो जाएगा तो उस बच्चे की पढ़ाई के लिए 4 साल में 48,000 की छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपको फॉर्म किस तरह से भरना है वो भी हम बता चुके हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दिए दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिएगा पूरी प्रोसेस। ओके, अगली बात ये कि ये जो आवेदन के लिए जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है, वो उसके लिए ऊपर से रिक्वेस्ट की गई है लखनऊ से कि अभी कम समय बचा है, तो कई जो छात्र हैं इन प्रमाण पत्रों की वजह से इस परीक्षा में सम्मिलित होने से रह जाते हैं, क्योंकि ये तहसील से जारी होता है तो लेट हो जाता है। तो तहसील से रिक्वेस्ट की गई है कि जल्दी से जल्दी वो आपके जो आय प्रमाण पत्र हैं और जाति प्रमाण पत्र बना के दे दें। तो ये थी पूरी जानकारी अंतिम तिथि की, कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है, और जो सर्टिफिकेट है जल्दी से जारी हो सकते हैं, आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।